सत श्री अकाल जी मित्रों, आम तौर पर देखते हैं भी पैसे लैन वाले लोग नहीं हटते, ये नहीं मां दे पुत मानते। किन्नियां विजिलेंस ने चक ले, चंगे तगड़े तगड़े अफसर मनन नूं राजी नहीं कीता की जावे। कमेंट करके राय सांझी जरूर करियो, आपके विचार इन्हां लई सोहणे सोहणे भी पेश करियो कि आखिर कीता की जावे इन्हां दा, क्यों नहीं मानते ये। यह मामला हुण दसो, DSP चक्किया 30,000 रुपया रिश्वत लैंदा, मौड़ विखे तैनात DSP काबू। यार गल है कोई एडी पोस्ट, रब ने बख्शी सलूट पैंदे हुण, तनखाहां चंगियां ने, उहदे बावजूद सहूलतां तों बाद फिर पैसे लैण दी लोड़ रहि गई हैगी। मुलजम पुलिस अधिकारी ने एक केस में क्लीन चिट देने लिए मंगे से 50,000 रुपये। DSP के रीडर को 1,00,000 रुपया बरामद, उहदी भी हुण जांच हो रही है। रीडर साहब को 1,00,000 रुपया बरामद होया गा, की बनूगा इन्हां दा। सूबे च भ्रष्टाचार खिलाफ विड्डी मुहिम तहत पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने बठिंडा जिले के मौड़ च तैनात DSP बलजीत सिंह बराड़ को 30,000 रुपये रिश्वत लेंदे काबू किया। फोटो लाल खड़ी है साहब बेची ने गए मुँह बन के। इस दौरान विजिलेंस ने उक्त DSP के रीडर मनप्रीत सिंह हैड कॉन्सटेबल को 1,00,000 रुपये की रकम भी बरामद की है। इस रकम बारे वक्री जांच की जा रही है, क्योंकि यह रकम भी रिश्वत वजो ली हो सकती है। इस संबंध में जानकारी देंदे विजिलेंस ब्यूरो के बुलारे ने दस कि मुलजम पुलिस अधिकारी रविंदर सिंह वासी मौड़ की शिकायत पर गिरफ्तार किया। उन्होंने दस कि रविंदर सिंह ने शिकायत की कि उसके पुत्र खिलाफ थाना बलियां वाली विखे एक झगड़े संबंधी शिकायत दर्ज हुई थी। उसने अपने पुत्र निर्दोष साबित करने लिए DSP दफ्तर बठिंडा की दरखास्त दी थी, जिसकी जांच DSP बलजीत बराड़ को सौंपी गई। शिकायतकर्ता ने दोष लाया कि उसने अपने पुत्र बेगुनाही साबित करने लिए एक वीडियो भी पेश की, पर मुलजम DSP ने उसके पुत्र की क्लीन चिट देने बदले 50,000 रुपये की रिश्वत मंगी। शिकायतकर्ता की मुढ़ली जांच उपरंत विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने ट्रैप लगा के DSP बलजीत सिंह बराड़ को सरकारी गवाह की हाजिरी में शिकायतकर्ता तो रिश्वत की पहली किस्त वजो 30,000 रुपये लेंद्या गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने दसिया कि DSP खिलाफ थाना विजिलेंस ब्यूरो बठिंडा रेंज में FIR दर्ज की गई है। यार कितने लोगों के FIR तो रद्द कर फिरदा ती मित्र प्यारे, कितने हूँ आपकी FIR हो गई है, की बीतती होगी। मैं इस पास्यों भी सोचता भी एक बार जो किसी पैंती है उन्होंने पता लगता बीतती की होनी है, पर दूजे पास गल यह भी यार जो आप इन फैसिलिटियां लैने इन्ने इन्ने सलूट पेंदे ने इन तनखाह ने बावजूद आ हाल ने साडे भी असं 30,000 रुपये चक्की फिरते हैं। हूँ किन्ने समय की परेशानी, तनखा गई फिर अगे कल पता नहीं हूँ बरी होणगे ना होणगे, कल की बनूगा केस का। जरूरी है साफ सुथरी ड्यूटी करो, लोग भी तुहानू सलूट करन, कल्ले तुहाडे मुलाजम नहीं, लोग हत्थ बन के ना आए खड़े होंगे ने थाने ते अगले नूं हुंदा भी ये न्याय करूगा। हुण आए न्याय होगा 30,000 रुपया लैके, 50,000 रुपया मंग के ते 30,000 लैके 1,00,000 रुपये की हजे अड्डो उद्दू जाँच हो रही है। राय जरूर करो सांझी आपकी कि तुम कि समझते हो भी पुलिस महकमे च हजे भी की इस तरह की बंदे हजे हटे नहीं है, तो दूजे महकमे का हाल की है मित्रों, वह भी तुम कमेंट करके माड़ा जहा दस्या करो यार भी बिजनेस तरह हर लगी पई है, एक ना जे कही लगी पई है लगातार चक्कण इन्हों, पर यह हटते नहीं। पर एक चीज़ बहुत जरूरी है ध्यान देने वाली, तुम दब के शिकायत कराया करो, दब के इन जो भी पैसे मंगन ट्रैप लवाया करो, फड़वाया करो, कदे तो हटन गई या फिर डरता बैठूगा ही मन च। धन्यवाद।